नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका गाम को जानो चैनल के अंतर्गत। और दोस्तों, आज हम जिस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, उस जगह का नाम है जल महलों की नगरी डीग। जी हाँ दोस्तों, ये आज हम आपको लेके आए हैं जल महलों की नगरी डीग में। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं किस प्रकार से इस क्षेत्र को जाना जाता है। ये क्षेत्र जहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं, इस जगह का नाम डीग है। जी हाँ दोस्तों, ये जल महल डीग क्षेत्र में है, जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और ये आप देख, आज हम आपको इसी के बारे में बहुत सारी वर्णन करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए हमारा पूरा वीडियो। दोस्तों, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली से लाया गया वो झूला है, जिसको उस समय के तत्कालीन राजा सूरजमल जी के द्वारा दिल्ली से लूट करके लाया गया था। और जब दिल्ली पर मुग़लों का शासन होता था, उस समय यहाँ के राजा ने दिल्ली पर चढ़ाई की और दिल्ली के राजा को परास्त करके, उसको धूल चटा करके, और वहाँ से ये जो झूला है इसको लाया गया था और इस पर अधिकार करके ये अपने अंडर में ले लिया था उस समय के राजा श्रीमान सूरजमल जी ने। आज हम आपकी बात करवाने वाले हैं किस प्रकार से इस महल का निर्माण किया गया और इसकी स्थापना किन के द्वारा कराई गई, अभी हम जानते हैं। ये स्थानीय नागरिक हैं। बाबा साहब नमस्कार। ये महल के बारे में बताओगे कि किसने बनवाया था? ये सूरज महल और जवाहर सिंह 13 पीढ़ी में कितने राजा हुए हैं। अच्छा, अलग अलग समय में निर्माण होते रहे। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो सूरजमल से हुई है। अच्छा, बदन सिंह से, सूरजमल से, वहाँ से इनकी शुरुआत हुई है। बदन सिंह के बच्चे इस महल की खासियत क्या है? अरे, पीछे से 4-5 मंजिल है, आगे से 1 मंजिल दिखता। अच्छा, पीछे कुंडा है बहुत बड़ा पानी का, उधर कुंडा है, नीचे के पानी गया है। अजय दुर्ग भी माना जाता है इसे अकेले। तो वो है लखा, वो आगे वो लखा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप वीडियो में देख सकते हैं सामने। लखा बुर्ज, लखा तो, लखा तो, लखा बुर्ज भी है, लखा बुर्ज के ऊपर लखा तोप रखी है। अच्छा अच्छा, कितनी मार है इस तोप की साहब? 300 किलोमीटर तक। 300 किलोमीटर तक। अच्छा, जो दिल्ली तोड़ी थी उसका कुछ संबंध? एक दफे चली है। हाँ, वो एक बार ही ये तोप चली है, जिस इस तोप के द्वारा दिल्ली के किले को तोड़ा गया था। अच्छा जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं है, ये इनका ये दिल्ली से लूट के लाए थे, ये महल है, ये लूट जा कर लाए। अच्छा, बेगम बेगम का कौन का ये? ये फारे है, मतलब महल है, इसको लूट के लाए। बहुत सी चीज़ है, प्रदर्शनी रखती है, जब ये सारे फारे चलते हैं। हाँ, रंग पीले लाल गुलाब ऊपर से बहुत है, उस पर ऊपर बड़ा टैंक है वो पानी का। हाँ, पानी का बहुत बड़ा टैंक है, ऊपर में भरा जाता है जी। फिर ये सभी फारे चलते, रंग बिरंगे चलते, एक साथ चलते सब। वहाँ से सिस्टम है, अलग अलग रंग डाल, पुराने टाइम का इतना बढ़िया सिस्टम है कि देखो, बहुत बहुत अच्छी कलाकारी यहाँ पर देखने। ठीक है, ठीक। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस भवन को गोपाल भवन के नाम से जाना जाता है। गोपाल भवन सभी भवनों में से सबसे विशाल और अनूठा है, जो अपनी सटीक अवस्थिति और उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के कारण सर्वोत्तम भवन है। इस भवन का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1756 से 63 ईस्वी के अंतर्गत इस महल का निर्माण करवाया गया था उनके द्वारा। और ये जो महल है, इसके तीन भाग हैं, इसको तीन भागों में बांटा गया है, मध्य भाग और पासर भाग, और एक पिछली मंजिल का पार्श्ववर्ती जो भाग है वो 2 मंजिला है, और पीछे का भाग इसका है जो 4 मंजिला है। मध्य भाग राजकीय स्वागत कक्ष है, जो इसकी पिछली दीवारों से झांकती वीथिका युक्त दीर्घा के कारण सांझा के दीवाने आम से मेल खाता है। स्तंभों से घिरा आधारित मेहराबों से तीन ओर से घिरा एक छोटा आयताकार कक्ष है, और संभवतः इसमें आवास हेतु ये इमारतें बनाई गई थी। आगे पीछे चारों तरफ इसमें बेंच लगी हुई हैं, और ये महल बहुत ही एक
नायाब उदाहरण है जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पर्यटक इस महल को देखने के लिए आते हैं। ये आपको गोपाल भवन दिखाया।